रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, FCI के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, BPCL बेचने की योजना बना चुके हैं, LIC बेचने की योजना बना चुके हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी, और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 49% के FDI को भी आप छू नहीं पाए हैं और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर लाखों की संख्या में है, जो बकाया है जो आज तक मिले नहीं लोगों को। तमाम क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में देने की योजना, FDI के नाम पे विदेशी कंपनियों को लाने की योजना, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान है सरकारी कर्मचारी की नौकरी पाने की आस लगाए हुए उन नौजवानों की, उन छात्रों की जिनकी एक ही कोशिश और मंशा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इस निजीकरण की प्रक्रिया से हर क्षेत्र में नौकरियां खत्म होंगी। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, FCI के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, BPCL बेचने की योजना बना चुके हैं, LIC बेचने की योजना बना चुके हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी, और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप 49% तक FDI लेकर आए, उसका सही आंकड़ा क्या है माननीय? 49% के FDI को भी आप छू नहीं पाए हैं और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना की हालत देखें आप, जनधन योजना की अपनी हालत देखें आप। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर, वो क्लेम राज्यों में लाखों की संख्या में है, जो बकाया है जो आज तक मिले नहीं लोगों को। फसल बीमा योजना, आप इस सेक्टर में अगर आप तमाम FDI के दरवाजे खोल देंगे तो धीरे धीरे भारत का पैसा, जो प्रीमियम का पैसा आम आदमी का होगा, वो बड़े बड़े इन पूंजीपतियों के पास जो इस सेक्टर में आएंगे उनके पास जाएगा, और उसके माध्यम से उसमें एक लूट और भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने अब तक देखा है, एस बैंक के मामले में हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक का मामला महाराष्ट्र का आया था मान्य और उसमें हमने देखा। तो हर क्षेत्र में जब आप इन्हीं लोगों को बुलाएंगे तो हो ये रहा है कि आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए सारे सेक्टर के रास्ते खोल रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो इसमें लूट और भ्रष्टाचार करके बाहर जाके आपको बैठ के चिढ़ाएंगे। धन्यवाद। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए इस देश का आप उसको नाम दे देते हैं कि ये तो हम लोगों ने खाली अपने बैंक के खाते से नाम उनका हटाया है, NPA हो गया है, 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को आपने बांट दिया, देश का आपका समय देश के बैंक को आपने बर्बाद कर दिया, हर सेक्टर को आप इसी तरह से निजी हाथों में देना चाहते हैं। इस पर रोक लगाइए और इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, और ये हमारी मांग है। धन्यवाद।